भगवत समंत्र दुष्यमी भगवान अरण्य स्वामी का स्तुन करते हुए शंभु स्त्रोत में आठवां श्लोक कह रहे हैं, मोह काम तृष्णान मूलिन चा, मोह और तृष्णा इनके नष्ट होने पर यद जातम जो हुआ तदश्नवा, वो कहते हैं मोह का अभाव कर लिया, तृष्णा का अभाव कर लिया, इसके उपरांत फिर क्या होता है? अंत कहा कृंत को नृणाम जन्म ज्वर शखा सदा, त्वमांत कांतकं प्राप्य काम कारिता। धन्य हो अंत कहा कृंत को निर्णाम, संसार में महापीड़ा देने वाला कोई है तो अब जीव को दुख देने वाला नाम सुनते भयभीत होने का है, उसका नाम है यम। हर व्यक्ति जीना चाहता है, हर जीव जीना चाहता, कोई मरना नहीं चाहता। वो तो झूठी झूठी बोलता है, जब पीड़ा होती ना तो मैं मर जाऊं, पीड़ा सहन नहीं कर पा रहा इसलिए मरने की बात कर रहा है, पर अंतरंग का ये कि पीड़ा समाप्त हो जाए तो मैं जीता रहूं, अंदर का विषय ये है। इसलिए तुम कितनी धुरंधर साधक हो, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, मृत्यु का सम्मान करना चाहिए। मृत्यु हमारा शत्रु नहीं है, मृत्यु उपकारी है, भविष्य भवांतर को प्रदान कराने वाली है, उसका नाम मृत्यु है। जीर्ण जीर्ण शरीर छुड़ा करके अच्छा शरीर देने वाली मृत्यु है, वो पुद्गलकृत उपकार है जीव का, पुद्गलकृत उपकार है जीव का मृत्यु। मरण उपकार है, मरण अपकार नहीं है। वृद्धों से पूछो, रोगी लोगों से पूछो, कितनी पीड़ा होती है जब रोग होता है वृद्ध अवस्था में। यह तो पुण्य हो घर का सम्मान मिले, सुनते जाइए सब लोग, पुण्य हो कुटुंब का सम्मान प्राप्त हो, बहु बेटे अच्छे से रख पाए, और पुण्य तेज नहीं है तो फिर तो यह तो साधु बनकर निकल जाना चाहिए या आयु पूर्ण करके निकल जाना चाहिए। कारण ये ना कि एक घर में पलते श्वान की तो कीमत होती है, पर वृद्ध माँ इंसान की कीमत घर में नहीं हो रही है। बहु बेटे ऐसा सोचते हैं, बुढ़ा कब चला जाए, ये बुढ़ी कब मर जाए, ऐसा सोचते। वो क्या जीवन है, ज़्यादा कुछ हुआ तो ज़्यादा पैसे वाले तो नौकर लगा दिया, पर सेवा कोई नहीं करना चाहता। बिरले जीव पुण्यात्मा हैं जिनके बहु बेटे वृद्ध माता पिता की सेवा कर रहे हो। अब उनको आज से जीवन प्रारंभ कर देना चाहिए। आप लोग साधु पुरुष हैं तो ऐसा जीवन जियो कि विपत्ति काल में पूरा संघ तुम्हारे साथ दौड़ पड़े। नहीं तो बेटा ये स्थिति बनती है, हम अपना स्वाध्याय करेंगे, इनके ही पास बैठे रहो। और जिसका प्रभुत्व शक्ति संपन्न है व्यक्ति स्वाध्याय चुन के पास बैठना पसंद करता है। एक मुनिराज की समाधि के लिए 48 मुनि लग जाते, और एक जीव के लिए एक आदमी नहीं मिलता। स्वभाव का माधुर चाहिए, और अभिचि मरण में आर निस्समाधि, आबिचि मरण में आर्निस समाधि, तो आपको अहर्निस समतव मैत्री के साथ जीना पड़ेगा। सारस्वत जी बेटा समझो मैं क्या समझा रहा हूँ, आर्निस समाधि, आर्निस समता और मैत्री, ये दो
सखा लेके चली अपने साथ, ये संग बिराजा आपके साथ, तो इनमें भेदभाव रखो मानसिक, तो हर व्यक्ति समझता किन की कहाँ पर क्या दृष्टि है। तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा, तुम्हारी संकलेशा बढ़ेगी, कितने तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहे, बाहर कितनी प्रभाव रहे, अंतरिम के लोग तुमको नहीं मानते ना, तब भी संकलेशा बनेगी। अंतरिम के लोगों को मानना चाहिए, वो अंतरंग शांति चाहिए, तभी तुम्हारी समाधि हो पाई। और आज से समाधि स्वीकार कर लेना चाहिए। 12 व्रतों को धारण करता व्यक्ति समाधि सहित। इसलिए कभी कभी एक ग्रास भी भोजन का कम रह जाना तो परिणाम विचलित हो जाते। इसलिए मुनिराज जान करके उनोदर करते हैं, रस प्रत्याग करते हैं, जान करके करते हैं, परे से अवसर सहन करते हैं अचानक के लिए, क्योंकि सारी साधन एक किनारे हैं, परिणामों की विशुद्धि ही मूल साधना है। वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मृत्यु संभालना है तो जीवन संभाल के चलो। महात्मा सुब्रत सागर जी, अहो ज्ञानी, मृत्यु संभालना है तो जीवन संभाल के जियो। जीवन संभाल के जियोगे तो मृत्यु अपने आप संभल जाएगी। वो मृत्यु के काल में सार्थक सागर, अपनों को अपने साथ देखना चाहते हो तो जीवन जीते सबको अपने साथ रखो। राग मत करो, द्वेष भी मत करो, मैत्री भाव रखो। साधना करो पर साधना में माध्यस्थ भाव रखिए, पर से उपेक्षा भाव, उपेक्षा रूप हो, उपेक्षा ना हो। हमारे शब्दों पर ध्यान दो, उपेक्षा भाव उपेक्षा हो, राग द्वेष रहित उपेक्षा हो, पर उपेक्षा हो किसी की मत करो। उपेक्षा करोगे किसी की, कब किस गलियारे में कौन काम में आ जाएगा तुमको समझ में आ जाएगा। अपेक्षा रखो सबसे, पर अपेक्षा मत रखो। अपेक्षा की पूर्ति नहीं होगी तो निज के भावों की उपेक्षा हो जाएगी। ये समझने की जरूरत है। कुछ बातें ऐसी हैं, तुमको किसी से तीव्र राग आ रहा है तब भी मौन रखो, उसी व्यक्त मत करो। तीव्र द्वेष आ रहा है, निर्विकल सागर जी, बालक अपन को किसी की बात जम नहीं रही है, तब भी हम पेट के इतने साफ मत बनो कि प्राण चले जाए। वे बज्जू कुमार जी डॉक्टर हैं, इनसे पूछना। पेट साफ नहीं होगा तो बीमार हो जाओगे, और पेट पूरा साफ तो मर जाओगे। पेट साफ नहीं हुआ ना तो बीमार हो जाओगे, तुरंत नहीं मरोगे, और पेट पूर्ण साफ हो गया तो उसी दिन मर जाओगे। अपने पिछली बार आपने देख लिया सब, पेट की सफाई से अपने सामने सामने लोग गए हैं। ओह, आप भी बेटा थे। एक बालक अभी आया था, सुब्र सार के हार कराने जाता था, बाहर का था कहीं का, उसको शाम को दस्त लग गया बेटा। सुबह नमस्तु करने आया, उसकी आंखें गड्ढे में, हालत खराब। हमने कहा तुम सुब्र सार के पास जाओ, उनके पास दवाई पूछ लो। आया था आपके पास? मैंने तुरंत भेजा। ठीक है, अपन लोग सागर से बिहार किए, इंदौर जा रहे चातुर्मास के लिए, तो ये एक गांव पड़ता है, वहाँ मेरे हार हुए, उसमें कुछ अपत्य चल गया, पारस इतना खराब यही मौसम था, सब 8 दिन गड्ढे में, हालत खराब, खून एक कदम चलना दुर्बल हो गया। विदिशा पहुँचे, लोग आश्चर्य कर रहे थे, बोले क्या है, तब भी ये राहतगढ़ में, राहतगढ़ से शुरू हुआ था शाम से,
वहीं प्रहार हुए थे। तो शरीर है, ये शरीर नष्ट भी होगा ना, तब भी शरीर के कष्ट को सहन करते हुए आत्मा को कष्ट से बचा लेना, ये उसमें तुम्हारी बड़ी बड़ी बहुत बड़ी विवेकशीलता है। शरीर के नष्ट के काल में आत्मा को कष्ट भविष्य में ना हो, ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। वर्तमान का शरीर तो छूट ही रहा है, भविष्य में दुर्गति ना हो जाए इसका ध्यान रखा जाए, उसको गन्ने जैसा जीवन जीना चाहिए, गन्ने जैसा जीवन जीना चाहिए। गन्ने की गांठ में रस नहीं होता, कीड़ा भी लग जाता है। गन्ने की गांठ में रस नहीं होता बेटा, पौर में रस होता है, परंतु उस गांठ में पौधा बन जाता है, समझ रहे ना। आगे चलते, सड़ा कांदा मतलब आलू लहसुन जमीकंद, ये सड़ भी जाए लेकिन इनके अंदर इनको गाड़ दो ना, आधा हिस्सा सड़ा हुआ है वो आधे हिस्से पे अंकुर आ रहा है, उसको गाड़ दो अगला पौधा आ जाता है, समझ रहे ना। इसी प्रकार से ये सड़ा शरीर है, नष्ट होने वाला है, धर्म ध्यान में लगा लो तो अगली प्रयास सुधर जाएगी। बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। आपको धर्म करने की विधि पता होना चाहिए, धर्म होने की विधि पता नहीं है, वे ही बेचारे शरीर के कमजोर लोग नरक चले जाते हैं। वो धर्म ध्यान करने की विधि पता है समकित सागर जी, सुनो विधि धर्म ध्यान की। छोटे किसान ज़्यादा सुख से जीवन जी लेते हैं, खेत की मेड़ मेड़ पर कुछ नहीं तो टमाटर लगा देंगे, ठीक है, और अपने ज्वार बाजरा बोया उसके बीच में धनिया वनिया बो देंगे, तो घर की वो चली जाएगी। और जो बाहर खनती मनती हैं उनमें कोई ऐसी बेल लता लगाया जिसमें घर के लिए साग बन गई, भिंडी टमाटर उगा है, लौकी तुरैया गिलकी, ठीक है। और समझदार जो सिटी में रहने वाले लोग हैं, लंबे लंबे मकान इतनी छत पड़ी है, ठीक है, ऊपर छत पर डाली मिट्टी और क्यारी में लगा करके धनिया उगा रहे हैं। आपने रायपुर में देखा था वो माली जो है ना अंगीठा उगा रहा था, लगे थे ना अंगीठा उसमें, तो वो घर की छत पर गमला रखे हुए मिट्टी लगाए उसमें घर की साग निकाल रहा है। तो समझदार होना चाहिए, ऐसे शरीर कमजोर तुम्हारा जरूर है, विशुद्धि कमजोर नहीं करना चाहिए। मानते तुम उपास नहीं कर सकते शरीर कमजोर है, मानते आप जो है गर्मी में पर्वत पर नहीं बैठ सकते शरीर कमजोर है, मानते आप बरसात में नदी किनारे वृक्ष के नीचे बैठने, सर्दी में नदी किनारे कमजोर है, लेकिन कमरे में बैठ करके दुनिया के प्रति शुभ भाव कर लो। कोई साधु साधु प्रति अशुभ भाव मत करो, समाजों के प्रति अशुभ मत सोचो, विश्व के प्राणी मात्र प्रति अच्छा सोचो, इसमें कौन सा शरीर लग रहा है। जबकि लंबे लंबे उपास करने वाले बड़े बड़े विहार करने वाले लोग वो दुनिया के बारे में अशुभ सोच रहे हैं, शास्त्र रट बैठे क्या, गंदे गंदे मोबाइलों पर फोटो डोटो डाल रहे हैं, दूसरे संघों की निंदा कर रहे हो, ये तुम्हारी क्या बुद्धि है, बुद्धि का दुरुपयोग, ठीक है ना। तो इसलिए आपको बोध होना चाहिए है, उसी जमीन पर केसर उगती है वहीं पर बेशरम उगाती है, समझ मारा बालक। एक ही खेत में एक स्थान पर गन्ना नीम आम जामुन ओहो अमरबेल गुड़बेल कड़बी वहीं पर है अपने अपने बीच। ऐसे इतने सारे मुनिराज हैं, भूमि एक ही है गुरु की, अपने अपने बीज, जिनके भावों के बीज जैसे होंगे तुम्हारा भाव वैसा होगा बेटा। इसलिए कमजोर शरीर में भी आप श्रेष्ठ साधना कर सकते हो। बहिरंग साधना कोई मात्र साधना क्यों मानते हो,
अंतरंग साधनों को साधना मानिए ना आप, प्रणाम अच्छे रखो, स्वाध्याय करने में मन नहीं लग रहा तो आंखें बंद करके बैठे रहो, कोई को देखो ही मत, नहीं सोना तो पाप है। हाँ, भाव खराब हो रहे हैं, अत्यंत खोटे प्रणाम हो तो सो जाओ, सोने के बाद तुम जगोगे ना तो प्रणाम अच्छे हो जाएंगे कुछ विषयों पर। अकेले में भाव खराब हो रहे हैं, भीड़ में जाके बैठ जाओ, ठीक है। बाकी के सब है नियंत्रण मन का, जो मन चाहेगा तो कर पाओगे, नहीं तो तुम सब काम बिगाड़ लोगे। आइए अब अंत का कृंत को निर्णाम हो गया, तो अंत को जो यम है बड़ा सुंदर विषय है, जो बुद्धिमान आयु के प्रदेशों का निषेक रचना कुमट सार जीव कांड में मस्त रचना निषेक रचना गोपुच्छ रचना ये सारी रचनाओं की व्याख्या है। अब इधर देखो निषेक रचना, भैया कब कभी तो देख लिया कर, अब निषेक रचना निषेक निषेक आयु कर्म के निषेक निषेक, ठीक है। तो जैसे माना कि ये है पेंसिल, ये गोपुच्छ रचना, देखो डॉक्टर ये स्थान है तो यहाँ पर एक गाय की जो पूंछ रहती है यहाँ मोटा रहता है, ठीक है, बीच में इधर लंबी उसकी लंबी पूंछ इधर तो इधर ये गुच्छ रहता है इस प्रकार से। अब निषेक रचना, अब निषेक रचना में क्या, निषेक रचना अनुसार क्रम क्रम से क्रम क्रम से निषेक जो तुम्हारे झर रहे हैं क्रम क्रम से, अब वो निषेक रचना कैसी करो, शंकर जी की पिंडी पर रखा मटका एक एक बूंद झर रही है, एक एक निषेक तुम्हारे पल पल में आयु छीन हो रही है, निषेक एक एक जा रहा है, ये होगी निषेक, ठीक है। ये क्रम से चल रहा है अब किसी ने विष की वेदना से रक्त के क्षय से सांस के निरोध से संक्लेश प्रणामों से ग्रीष्म की तंग कारण उष्णता के कारण शीत की बाधा से आहार के न मिलने से जो आयु कर्म के निषेक एक साथ विघात हो गया, तो वे जो 100 वर्ष तक चलने वाले थे वे अंतर्मुहूर्त में झर गए, ये क्या हुआ, आत्माघात हो गया, ठीक है, अपघात हो गया, अकाल मरण हो गया। अब जीव को ये यम है कितना पीड़ित कर रहा है, व्यक्ति मरने के साथ साथ बहुत सारे दुख उसके सामने खड़े हो जाते हैं, इसलिए तो मरने वाला आदमी आंखों में आंसू टपकाता है, वो देखता है एक काम छूट गया, फिर हमारे कुटुंबी जन जो रोने खड़े ना, यमराज टाइप के लोग भी रो रहे हैं अपने स्वार्थों के लिए, सो उन्हें देख करके आ जाता भाव, अब इनका क्या होगा, अरे बद्धू कुमार भैया तुम तो बड़े आराम के साथ जाना, हम भी जाएंगे आराम के साथ, क्यों, हमने तो बड़े बड़े आचार्यों की समाधि देख ली है और शिष्यों को मुस्कुराते देखा है, खिलखिला के मुस्कुरा के आ रहे जा रहे हैं सब, तो भाई पिता की मृत्यु हो गई, प्रथम दिन ऐसा छाया था कि अब कोई भी नहीं दुनिया में, और दूसरे दिन उन्हीं के बेटे बहुओं को हमने हंसते देखा, ठीक है, बहुत अच्छे से, उसमें आपका नाम भी आता है, ठीक है, जगत का नाम आता है। तो ऐसे ही अब क्या होगा, गुरुजी चले गए, कुछ नहीं है, कोई अनाथ नहीं हो, सब अपने अपने नाथ बन गए, अभी पराधीन थे अब नाथ बन गए, स्वाधीन हो गए। तो ये स्थिति संसार की, कोई किसी का होता नहीं है, कब तक दुख झेलेगा जीव, इसलिए कभी नहीं सोचना चाहिए भाई, सोचना नहीं, कभी नहीं सोचना मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, हम हैं इसलिए कुछ नहीं हो सकता, जिस दिन नहीं होंगे उस दिन सब कुछ होगा। इंदिरा गांधी की मृत्यु आप पढ़ते थे उस समय कि नहीं पढ़ते थे, इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई जब तो पूरे देश में खलबली पड़ गई, बोले अब क्या होगा, कोई नेता ही नहीं है अब, तुम
ऐसा हो गया एकदम, पूरे देश में ही हो गया एकदम, बच्चों की परीक्षा समाप्त। हम लोग पढ़ते थे सातवीं क्लास, परीक्षा ही नहीं हुई, डायरेक्ट आठवीं क्लास भेज दिया। हो तो उस समय उस वर्ष परीक्षा नहीं हुई कोई की, जो बच्चे जहाँ थे क्या कर्फ्यू लगा रहा लंबे समय तक, और झगड़ा युद्ध बहुत ज़्यादा, इमरजेंसी में बहुत सारे चक्कर पड़े रहे। तो अब सोचिए, उनके जाने के बाद नेता होते रहे, तूफान आता रहा, आज देश अच्छे चल रहा है कि नहीं चल रहा, चल रहा कि नहीं चल रहा, और अच्छे से चल रहा है। तो ये कभी नहीं सोचना कि मेरे जाने के बाद क्या होगा, ये कर्तृत्व बुद्धि है इसलिए तुमको लगता क्या होगा, सब होगा। यहाँ पर आपकी सभा में एक जज साहब बैठे हुए, यहाँ पर न्यायाधीश, ठीक है, अब वो सरल स्वभाव ही आप, इसलिए आप उसको समझ नहीं पा रहे, न्यायाधीश हैं। तो इनके पहले उस पर कोई न्यायाधीश नहीं होगा क्या, था। अब वो सोचता होगा मेरे बाद क्या हो सकता है, अरे चल रहा है। इसलिए हर जगह कुर्सी भरी जाती है, सौदर मंदिर ना सोचे कि मेरे बाद क्या होगा, अरे वहाँ पर भी पहुँचेगा, छाया एक समय दृष्टि जी बैठेगा, वहाँ सब तैयार हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखूँ, इतने पुण्यात्मा तो कोई तपस्वी नहीं हो पा रहा कि पूरी सौदर सभा में सौदर मंदिर एक ही होता है और दो सागर की आयु को लेके आया है, दो सागर तक, इतना कोई पुण्यात्मा नहीं होगा। नहीं, वो विषय अलग है आपका, हम सौदर की बात कर रहे हैं, मतलब कितने, इतने कोई योग्य जीव नहीं हो पाया। ऐसे ले लो ना, आपके देश का प्रधानमंत्री, अरबों की संख्या में देश में लोग हैं पर एक ही आदमी बनता मात्र, और ऐसे आंख देखो तो कोई दिख नहीं रहा फिर आपको, और नहीं होगा तो मिल जाएंगे, अपने आप योग्यताएं आ जाती हैं, अधिक योग्यता कम योग्यता, पर काम तो चलेगा ना। आइए, इसलिए यमराज से डरना नहीं, यमराज किसी को छोड़ेगा भी नहीं, चाहे डर के जाओ चाहे खुश होके जाओ, जाना तो पड़ेगा। अंत का कंदुम भाई, समझो समझो, हे प्रभु, परंतु आपने किया अरनाश्रमी जन्म जुर सखा, जो जन्म जुर सखा, आ जन्म का और जुर का, जन्म का और जुर का मित्र है, पुनर्जन्म जुर रोगों का जो मित्र है, कब कब, सदा हमेशा, निर्णाम कृंद का, और मनुष्यों को हमेशा रुनाने वाला है, बुढ़ापा भी जो कभी सोचा नहीं था कहाँ कहाँ दर्द शुरू हो जाता है, कौन कौन से रोग खड़े हो जाते हैं, कभी सोचा ही नहीं था, लड्डू पेड़े खाने वाले को करेला खाना पड़ता है, समझ में आ रहा, करेले का जूस पीना पड़ता डॉक्टर, गन्ने का रस पीने वाले को करेले का जूस पीना पड़ता डॉक्टर, तुम्हें जैसे लोग फिर सलाह देते, अब ये पी लिया बहुत गन्ने का रस, ऊंचा चरसा, दाड़म चरसा, ओहो सफरचंद चरसा, नको अब तो कलेरा करेला रसा, सफरचंद जानते हैं आप लोग, सफरचंद बोलते हैं महाराष्ट्र में सेव फल को, सफरचंद। आइए, तो समय बदलता है, आपको अपने शरीर को देखकर ही समझ लेना चाहिए, सुयस चमकालो जितनी मांग निकालना है, सबकी मांग मिटती बेटा एक दिन, ठीक है, सबकी मांग मिटती, सबकी मांग मिटती है, सबकी मांग मिटती है, मांग भी मिटती है, मांग भी मिटती है, कितनी मांग लो लेकिन तुम ही मिट जाओगे तो मांग मिट जाएगी अपने आप, वो कितनी मांग काट लो मिटनी है। इसलिए आयु कर्म के जो निषेक हैं वो झर रहे हैं, पर्याय विनाश को प्राप्त हो रही है, इसलिए मनुष्यों को रुलाने वाला कोई तो कौन है, मृत्यु, और जन्म जरा
ये मित्र उसके किसके, यमराज के, मृत्यु के। अंत कहा, अंत यानी यम। देखो रोग नहीं होगा, बुढ़ापा नहीं आएगा, तो ये बड़े सुंदर मित्र इनके बहाना लेकर के मर आता यम। बोले भैया बुढ़ापा आया तो मरना ही है। बोले ऐसा घनघोर रोग हो गया असाध्य, अब तो मरना ही है। सद्भाव के पप्पा सुन रहे कि नहीं, यमराज गले गुलटी पकड़े इसके पहले केस लोच कर लो, सुन रहे कि नहीं। ऐसा नहीं करियो गणेश लाल जी, जब जब जिच्छा उसे घर भग जाए। आइए अंत कहा, क्या है यम, अंत कहा, यम का अंत करने में। परंतु प्रभु आप अंत के भी अंतक हो गए। हे नाथ अरनासोमी, यमराज ने तो सबका अंत किया अंत का, लेकिन आप अंतक के भी अंतक हो गए। आपने यमराज का ही अंत कर दिया, तो हम आपको प्राप्त प्राप्त करके काम करता। ओहो, जो स्वच्छता से स्वच्छता से काम करने वाला प्रवृत्ति से था ना यमराज, वो व्यावृत्तम, उसकी व्यावृत्ति हो गई। जो सबको मारने वाला था सिद्ध सागर जी, भगवान ने उसको ही मार डाला। इसलिए रमोरियंतालम, इसलिए अरिहंत हैं, शत्रु को यमराज को हनन कर दिया, इसलिए अरिहंत हैं। या हिंसा मत समझ लेना, ये मात्र ये कथन कर रहे हैं समाप्त की दृष्टि में, कर्म का नाश करने की दृष्टि से। रमो अरिहंतालम, देखो एक अच्छा बहुत सुंदर मंत्र है, इसकी आराधना करो सब। ओम रीम अरहम रमोरियंतालम नमो जिनाणम। ओम रीम अरहम रमोरियंतालम नमो जिनाणम। अच्छे से बोलना बालक, नहीं नहीं नहीं, शांति से। ओम रीम, ठहरिए। ओम रीम अरहम रमोरियंतालम नमो जिनाणम। परम शांति, निर्मल समाधि हो। ओम ब्रीम अरहम नमोरियंताणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम। महामंत्र की आराधना रिद्धि मंत्र सहित और अनाहत के साथ। देख बालक, मतलब ये अलको यमहा कथम भूता। आप जैसे चंचली लोगों को कोई सिद्धि नहीं हो सकती। सुनिए ध्यान से, आप हंस सकते हो, मुस्कुरा सकते हो, पर सत्यार्थ सागर सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। मैं बार बार पीयूष को, अभिषेक को, पवन को समझाते रहता हूँ, बाल को गूण चले जाओ, गुप्त हो जाओ कुछ क्षण के लिए। वो गूण हो के तुम संगीत करने आओगे, तुम्हारे संगीत को सुनने दुनिया दौड़ पड़ेगी। जैसे जैसे नाटक का पात्र बंद कमरे में सजाया जाता है, पर्दा डलना चाहिए, प्रतिष्ठाचार लोग जो पर्दे की विधियाँ थी अब खोल ओपन कर दिए, विधि में मजा समाप्त हो गया। जहाँ पर्दे जहाँ वहाँ पढ़नी चाहिए। अभी देखो पीयूष, ओम तपोवन में हमने भगवान के सूर्य मंत्र के लिए पूरे फाटक बंद करा दिए, जितने मुनिराज उसके अंदर थे उनसे पूछो। मंत्र हम दे रहे थे, सभी मुनिराज जो वहां शांत थे मंत्रित हो रहे थे।
उन मुनिराजों को भी नहीं ले जाना चाहिए जो कहाँ कहाँ चिल्लाते रहते हैं, चंचल जो है समाधि के समय प्रवेश नहीं उन मुनिराजों का। तो चार चार मुनिराजों को बड़े विवेक के साथ रखा गया है, जो एक मिनट भी शांत नहीं खड़े हो सकते उनको प्रवेश नहीं दिलाना समाधि के समय। ध्यान रखना भाई, यो भी साथ रहे। फिर कुछ शांति सुन रहे से समाधि के समय हल्ला नहीं होना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि बरसों में आ तो मतलब अंत को यमहा कतम भूता कैसा क्रंत का आक्रंदन हेतु कैसा किसके निराम पुनः कतम भूतो जन्म जुरा सखा जन्म जुरियो सखा जन्म जुर सखा कदा कब कब सदा सर्वकालम हर काल में सकाए सा इतम भूतो अंत को व्यावृत्य ऐसे अंतक को यमराज को व्यावृत्य हे प्रभु उपरतहा आपने दूर कर दिया। किस्मात किससे काम करता अंकित बड़ौद का वैराग संभाल के रखने का काम करता कामिन इच्छा करणम जो कामना की इच्छा है करण है। जैसा बेटा बैराग तुम्हारा है वैसा बचा के रखना। ये जैसे लोग सुब्रत सागर जी एक जगह जो रोड पे ट्रक जाते हैं ना बंद, उनमें बहुत सारा सामान भरा रहता है, किसी में दूध भरा है तो किसी में आयल तेल भरा है तो किसी में गुला गन्ने का रस भरा रहता है किसी में गुड़ भरा रहता है पिघला। अब एक जगह ये गिर गया, ऐसे लोग बहरा बहरा के गिरे सब भल्ले गए। एक जगह बहुत बड़ा ट्रक गिरा कोयले का तो सब भल्ले गए कोयला। जिसका ट्रक था ना वो बड़ा समझदार निकला, उसने गांव से एक एक घर से निकलवाया। फिर पुलिस के माध्यम से ऐसा है ना, कभी कभी लोग बहुत उपद्रव करते हैं। तो ऐसे ही ये कलयुग है बेटा। जैसे ट्रक से सामान गिरा जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई भैया सुब्रत सागर, कुछ लोग तो बेचारे गरीब हो गए, कुछ लोग गरीब करोड़पति बन गए। ऐसे बने कि जो सिख सरदारों की दुकानें लोहे सोने चांदी की थी उन बेचारों की लूट डाले लोगों ने। अभी मालूम बेटा भिंडी से सिख भाई वे खेतों में रूर में घूम रहे थे। हो तो हम लोग छोटे छोटे थे तो अपना तो धर्म दया करना है, बोले सबको दया करो। एक जगह ऐसा झगड़ा हुआ, भाई भाई को फरसा मार रहे थे, हम लोग उनको घर में बिठा लिए, खाना खिलाया और कह भैया हमारे घर में गेट बंद कर दिए। तो उनको भैया भी आपस में फरसल चला रहे थे, आपस में मर रहे थे काट रहे थे, हमने तुरंत ही गांव में ऐसा चल रहा था तुरंत ही उनको अंदर बिठाया, उनके परिवार को पूरे को भोजन कराया और सुरक्षा दी। बाद में उनका माहौल ठंडा हो गया तो जो मारने आए थे उनने भी धन्यवाद दिया कि आपने मेरे भाई की रक्षा करा दी। ऐसा नहीं कि विरोध किया, वो धन्यवाद दिया कि आपने ऐसे काल में हमारे भाई को उन पूरे परिवार को घर में रोक करके भोजन कराया। तो ऐसा है भाई, जैन धर्म का नाम क्या है, सब पर दया करो। काम कारता प्रतिदिन संपन्नत्य कुरसौ सदव व्यावृत्य किम कृत्वसौ कांग बालक काम चिकण कस्मात तस्मात। देखो सारस्वत जी ये लोग अभी मजाक कर रहे समझ नहीं रहे, एक संस्कृत टीका देखें तो टीका लगाना सीखें। अभी पढ़ने जा रहे हैं वर्तमान में शाम के पास, लेकिन देखो बैठने के तरीके। काम कर तुम यह दृक्षा वृत्ता वृत्ति त्वयि प्रतिच्छा, ये तो मैं देख रहा हूँ कैसा टीचर है, वो बात पढ़ाना जानता है अनुशासन नहीं जानता। प्रतिच्छा हमारे गुरु जी ने हमको कहा कि बेटा इनको
पढ़ाना 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 जो है ना, उसके साथ साथ नीति न्याय भी सिखाना। इच्छा संपन्न अर्थ किम कृत्यसौ ततो, इसलिए मैं आपको लगा रहा हूँ, ढंग से बैठ जाइए। व्यावृत्या प्राप्य कम किसको त्वम अर्थ तीर्थंकर देवम कथम बुते, हे अर्थ तीर्थंकर देव अंत का अंत कम अंतकस्य यमस्य कम विनाश कम, आपने यमराज का ही विनाश कर दिया, जो दुनिया का नाश करने वाला था आपने उसका ही नाश करके अजर अमर पद को प्राप्त असली सिद्ध भगवान हो गए।